नमस्कार ओडिया विद्यालय आपनको स्वागत। वर्तमान जदि पूरा विश्व रे सबुठार गुटे इम्पोर्टेंट टॉपिक आमे कहि परिबा से होची गरम। कबे ओडिसा नहि ओडिसा रे मध्ये आपन वर्तमान सुनुथिबे कि 40 डिग्री 45 डिग्री इवन कि 48 50 डिग्री पाखा पाखे ओडिसा रे टेम्परेचर धरि देउछ। केवल ओडिसा रे प्रॉब्लम नहि भारत वर्ष रे भी प्रॉब्लम नहि पूरा विश्व रे एक्चुअली ये गरम रा प्रॉब्लम जोठी जोठी आमे कहि परिबा सूर्यंकर तापमात्रा अधिका अछि इन द सेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किमा उत्तर गोलार्धरे। तेणु याकु नहीं कि समस्ते चुप बसी नहांती कौटि ना कौटि वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशन अच्छी जातिसंघ अच्छी या परे बारंबार रिसर्च करुची कि केमिति भाव रे ये टेम्परेचर कमिबो तापमात्रा कमिबो किंबा सठिक टाइम रे वर्षा हम किंबा आमे कहिबरा मौसम वायु ठीक ठाक आसीजिबो बाकी गछपत्र ठीक ठाक हेइजिबो। तेणु ये वर्तमान टाइम रे यूनाइटेड नेशन जो रिसर्च रिपोर्ट बाहर करुची सी आहुरी डरे देला भलिया कथा आसी निश्चित भाव रे आपनकु भी सुनिकि आश्चर्य लागिबो। अफकोर्स आम बुझाप चेषा करवा कि एक्चुअली यूनाइटेड नेशन कौन वर्तमान समय रे कही कि ये जो गरम होमती भाव में कम या फिर बढ़ी बढ़ कि कम केमी भाव में यह सब जिन हम देखिपे यूनाइटेड नेशन आर्टिकल ग्लोबल टेम्परेचर सेट टू ब्रेक रेकर्ड ड्यूरींग द नेक्स्ट फाइव इयर नेक्स्ट पांच वर्ष भितर रेकर्ड ब्रेकिंग कर जो प्रकार टेम्परेचर पूर्वर बढ़ुला बर्तमान किए कौच ना वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गानाइजेसन। जदि आमे वर्तमान टेम्परेचर सिस्टम कथा पूरा विश्व रे कहिबा ना जदि आमे कहिबा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ताले होची 14 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा विश्व रे एवरेज टेम्परेचर कोठी कोठी भी आपन को 40-50 डिग्री मिल जिवो कोठी कोठी भी -30-40 डिग्री भी मिल जिवो सेंटीग्रेड कथा कह आउची। तेणु आपको मिसेला पर ग्लोबल एवरेज जदि निहाब केते होची ना सेटा होची 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जदि आमे पुरुणा कथा कहिबा किमा 50-50 वर्ष व्यवधान रे केते केते टेम्परेचर बढ़ुची किंबा कमुची ताकु नहीं आनालीसीस करिबा ज्यादातर बढ़ुची कारण कौन ना इंडस्ट्री आम पाखे बढ़ुची से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ुची केते बढ़ुची ना जदि 50 वर्ष कथा कहिबा 50 इयर्स कथा कहिबा आवरेज केते बढ़ुची 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष को केते पाखापाखी बढ़ुची ना 0.2 या फिर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कथा कहुची बट एटा नॉर्मल पूर्वर बढ़ुला कि डिकेट अनुसार बढ़ुची जदि आम देखा कि 50 वर्ष भितर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाखापाखी बढ़ुची तमें जदि आम 2020 कथा कह 2070 टाइम 50 वर्ष हो जो 14 डिग्री अच्छी 15.5 हो पुणी जी आम 50 वर्ष कहवा यहाँ 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो ग्लोबल एवरेज कहु आप भावते ओडार तो आम 23-24 कि 25-26 रोचे चलो सेटा चलोनी ओडार जी रो ताठार बढ़ी जो कारण ग्लोबल टेम्परेचर क्या कहुची। तेणु ये सब जिनस जो हूँ एक्चुअली कौन पाई या पचर कारण कौन बुझाक पड़ो देखु सब जो मुख्य कारण बर्तमान रोचना हाँ इंडस्ट्री तार गोटे मुख्य कारण रही कौन रोज इंडस्ट्री कौन बाहर ना आम कहपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कार्बन मोनोक्साइड बाहर मिथेन बाहर प्लस आम कहपर सल्फर ऑक्साइड बाहर ये सब पॉइजनियस गैस बाहर तो आपण मैंने शुणिथे प्राय टाइम जो शिखर समिट हुए कि सम्मिलन हुए से सम्मिलन विभिन्न प्रकार देश से एक्चुअली आनालीसीस करती कथबार्ता करती कि जेकोसी देश में अलग अलग इंडस्ट्री अच्छी से इंडस्ट्री जमी भाव में कम इंडस्ट्रियल एफिलेंट बाहर करूँ तापाई विभिन्न प्रकार नियम बनई था बट किसी देश से नियम को मानुच्चेश नियम को मानुना तेनाली कौटिना कौटी जो पॉइजनस गैस ये बढ़ी जा सेकेंड कौन कह एलिनु क्या कह एलिनु कौन एटा गोटे जियोग्राफिकल इफेक्ट कह समय समय इन द सेन्स 6-7 वर्ष एलिनो इफेक्ट हुए एलिनो इफेक्ट जिते हम से जो जगार आम कहीपर वर्षा पवन ठीक होता से जगह हम ना जो जगार इंडस्ट्री थी से जगह एक्चुअली वर्षा पवन हो तेणु बर्तमान जो 2023-24 कथा कहुची कौटि ना कौटि एलिनो इफेक्ट आसव तेणु गरम आहुरी बढ़िवार चान्सेस अच्छी प्लस आम कहीपर ट्री कटिंग हो किंबा जो गच्छ विभिन्न जगार कटा हो सब भी गोटे मुख्य कारण रही तेणु ये सब जिनस को मिसाई वर्तमान एक कथा कहुची 2022 रु 2027 जो 5 वर्ष रोचे ये 5 वर्ष भितर केवल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ी जोटा कि 50 वर्ष बढ़ुला से 5 वर्ष भितर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ी बहुत बड़ कथा कहुच आज्ञा आपको कंट्रोल करने विभिन्न प्रकार संस्था कि यूनाइटेड नेशन बहुत प्रकार स्ट्रगल मेहनत करुच्ची
ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ପ୍ଲସ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଭିତରେ କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ନେଇକି। କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତେ ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ସେ ଦେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତିକି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଗଛ ଲଗେଇବ, ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଜିଓ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାୱାର ବାହାର କରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାରତରେ କରିବେ। ଇଏ ତ ହିସାବ ରହିଲା କ'ଣ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ କହିବା କି ଟେମ୍ପରେଚର କେବେ କମିବ, ବର୍ଷା କେବେ କମିବ, କେବେ ହବ, ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱରେ ସରକାର ଇନିସିଏଟିଭ ନେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଜାଗ ନ ହେଇଛେ କିମ୍ବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନ କରିଛେ କିମ୍ବା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗଛ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ ଲଗେଇଛେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମିତି ଭାବରେ ଖରା ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।